सो फैमिली, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं WWE के ड्राफ्ट की डेट के बारे में। कब होने वाला है WWE का ड्राफ्ट, उसके डेट कौन से मंथ में होने जा रहा है, सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास बिग ई से रिलेटेड न्यूज़ है कि बिग ई जा सकते हैं रॉ में, तो कैसे जा सकते हैं रॉ में, क्या रीज़न है, सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे WWE के ड्राफ्ट 2021 के डेट के बारे में, क्या होने जा रही है इसकी डेट, आखिर कौन से मंथ में होने जा रहा है। तो WWE का ड्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अगस्त में। यस गाइस, अगस्त में आपको WWE का ड्राफ्ट देखने को मिलने जा रहा है। और अगस्त में भी पता है कब, अगस्त लास्ट आप लोग कह सकते हो एकदम से, अगस्त 30 को आप लोगों को ड्राफ्ट का पहला राउंड देखने को मिलेगा, जिसका सेप्टेम्बर 3 को आप लोगों को उसका दूसरा राउंड देखने को मिलेगा। अब राउंड आगे कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, या फिर आपको दो ही राउंड देखने को मिले, एक रॉ में और एक स्मैकडाउन में। लेकिन अभी तो आप लोग कह रहे हो भाई ड्राफ्ट को बहुत ज़्यादा टाइम है और तू अभी से क्यों बता रहा है। लेकिन गाइस, एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ रही कि बिग ई इज़ गोइंग टू गो एट रॉ। यस गाइस, मतलब बिग ई जा रहे हैं फाइनली रॉ में। तो देखो, अभी तो सिर्फ बिग ई के बारे में पता चला कि बिग ई रॉ में आएंगे, लेकिन और सुपरस्टार्स के बारे में पता चलेगा, क्या पता कोई एनएक्सटी से भी आते हुए दिखाई दे हमें बहुत सारे सुपरस्टार्स। लेकिन बिग ई का तो गाइस पक्का चल रहा है, क्योंकि स्मैकडाउन में बिग ई के लिए अब कुछ ज़्यादा खास स्टोरी नहीं बची है, तो जितनी भी स्टोरी बिग ई के लिए सब निपटा के उन्हें रॉ में भेज दिया जाएगा। और रॉ में भेजने का भी एक अच्छा कारण, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आप लोग देख सकते हो, एक तो आप लोगों की जो न्यू डे है वो वापस से एक टीम अप ऐसी बन जाएगी, क्योंकि अभी जो न्यू डे है वो एकदम से मतलब आप लोग कह सकते हो अधूरी लग रही है। बिग ई को रॉ में भेज के WWE का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन में बिग ई के पास अब कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। लेकिन अगर वो वहीं रॉ में आते हैं तो रॉ में उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोग बिग ई को एक बार आप लोग इमेजिन करो कि बिग ई वापस न्यू डे के साथ आएंगे, तो न्यू डे मतलब एक तरीके से बहुत अच्छी टीम फिर से बनते हुए दिखाई दे सकती है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन न्यू डे को उतना अच्छा परफॉर्म या फिर दिखा नहीं पा रहे, जो कि बिग ई करते थे, क्योंकि बिग ई का भी बहुत मेन रोल न्यू डे के अंदर रहता था। और मंडे नाइट रॉ में बिग ई का एक नया सिंगल करियर भी शुरू हो जाएगा, इससे मतलब वो न्यू डे के साथ भी रहेंगे और अपने सिंगल करियर भी कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे। बिग ई को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए भी मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर वो रॉ में आते हुए दिखाई देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और नए अपोनेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और WWE ने जो स्मैकडाउन में तो बिग ई का हाल किया है ना, वो हम भूल नहीं सकते हैं भाई। एलिस्टर ब्लैक से अटैक करवाया, एलिस्टर ब्लैक को रिलीज कर दिया, उसके बाद केविन ओवंस के साथ टैग टीम में डाल दिया गया और वापस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की पिक्चर में उन्हें घुसेड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ WWE की बहुत बेकार लगती है, जब WWE एक ही सुपरस्टार को बार बार दिखाती है एक ही टाइटल पिक्चर में, तो इससे क्या होता है, जो फैंस होते हैं वो बोर हो जाते हैं उस सुपरस्टार से, तो उस सुपरस्टार को हेट मिलना चालू हो जाता है। तो इसमें कभी भी किसी सुपरस्टार की गलती नहीं होती, गलती होती है सिर्फ WWE वालों की। वो मतलब जो कहेंगे वो WWE वाले सुपरस्टार्स को करना पड़ता है, चाहे उनसे कहा जाए कि तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की पिक्चर में जाओ या फिर किसी के साथ फ्यूट करो या कुछ भी करो, उनको ये बात माननी पड़ेगी और नहीं मानी तो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन ड्राफ्ट हमें जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी मुझे और आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अभी तो एक सुपरस्टार के बारे में बताया जो कि रॉ में आएगा, आगे चलते चलते हम आपको और सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।